नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित अग्रवाल है। मैं मेदांता लखनऊ में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग में काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और डायबिटिक फुट के बारे में। आप सभी लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान को डायबिटीज़ का वर्ल्ड कैपिटल बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर विश्व भर में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ पाए जाते हैं और ये संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। डायबिटीज़ एक क्रोनिक बीमारी है जो कि हमारी नसों को इफ़ेक्ट करती है और धीरे धीरे करके नसों में सिकुड़न आने लगती है। अगर ये सिकुड़न जो है खून की नसों में हृदय की तरफ लेके जाने वाली नसों में आती है तो उससे हार्ट अटैक होने की संभावनाएं रहती हैं, और अगर ये मस्तिष्क में जाने वाली नसों में सिकुड़न आती है तो स्ट्रोक होता है, और अगर पैरों में सिकुड़न आती है तो लेग अटैक, डायबिटिक फुट, क्लॉडिकेशन, नॉन हीलिंग अल्सर्स, ये सारी बीमारी होती हैं। आज हम लोग स्पेसिफिकली डायबिटिक फुट और डायबिटीज़ से होने वाली पैरों में दिक्कतों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं डायबिटिक फुट होता क्या है, इसके क्या लक्षण हैं। तो धीरे धीरे करके नसों में सिकुड़न आनी शुरू होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल नस है और यहाँ पे खून की सप्लाई नहीं जा रही है, सिकुड़न है बीच में, कोई भी सप्लाई नहीं है खून की, फिर दोबारा उसके बाद नीचे खून की सप्लाई जाने लगती है। तो धीरे धीरे करके डायबिटीज़ के मरीजों में नसों में सिकुड़न आने लगती है, और ये मरीज़ क्लॉडिकेशन के कंप्लेन करते हैं। वो कंप्लेन करते हैं कि थोड़े दूर चलने पे उनके पैरों में भारीपन आता है, पैर टाइट होने लगते हैं, उन्हें बैठने की ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ी देर आराम करके वापस से पैर में स्वस्थ महसूस करते हैं और दोबारा से चल पाते हैं। दूसरा, मरीज़ कंप्लेन करता है बहुत बार जब धीरे धीरे करके कि हमेशा पैरों में एक दर्द बना रहता है जिसे हम बोलते हैं रेस्ट पेन, और ऐसे मरीजों में कभी चोट लग जाए या नई चप्पल पहनने से पैर कट जाए, शू बाइट हो जाए, नंगे पैर चलने से कोई छोटा मोटा कांटा लग जाए, नेल काटते वक्त, नाखून काटते वक्त जो है चोट लग जाए, तो एक घाव बन जाता है जो कि हील नहीं होता क्योंकि ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है, तो वो नॉन हीलिंग अल्सर या गैंग्रीन का रूप ले लेती हैं। तो ये तो बात हुई ऐसे मरीजों के लक्षणों की। उसके बाद आते हैं साइंस, देख कर कैसे पता लगता है कि भाई इस इंसान को डायबिटिक फुट है या इस इंसान को पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ है। तो ऐसे मरीजों की में जो पैरों पे बाल जो है बहुत कम दिखाई देंगे, पैरों की स्किन जो है वो पतली दिखाई देती है और शाइनी दिखाई देती है, और जब हम छूकर देखते हैं तो पैर ठंडे पड़े हुए होते हैं इन कंपैरिजन विद दी नॉर्मल अदर फुट और इन कंपैरिजन विद दी रेस्ट ऑफ दी बॉडी पार्ट्स में घाव या कालापन भी दिखाई दे सकता है। ऐसे मरीजों के लिए इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराई जाए। इन्वेस्टिगेशंस में जब हम इन पैरों के बीपी ब्लड प्रेशर को नापते हैं तो पता लगता है कि वो हाथ के ब्लड प्रेशर से कम है, जिसे हम एबीआई बोलते हैं, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। उसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड यानी डॉपलर करके नसों की सप्लाई चेक करते हैं कि खून की सप्लाई कैसी है, मेजर आर्टरीज में ब्लॉकेज है या घुटने के नीचे वाली आर्टरीज में ब्लॉकेज है। इसके बाद हम लोग सीटी एंजियो या एमआर एंजियोग्राफी से पूरा एओर्टा से लेकर नीचे की सारी नसों की जाँच कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर डीएससी या एंजियोग्राफी भी करके देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं ऐसे मरीजों के इलाज की। ऐसे मरीज जो हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो विद दी हेल्प ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, जिसके अंदर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स शामिल रहते हैं, इन मरीजों के ट्रीटमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट, डिब्राइडमेंट, एंजियोप्लास्टी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले डायबिटीज़ का सही कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। विद दी हेल्प ऑफ ब्लड थिनर्स एंड लिपिड लोअरिंग एजेंट्स खून को पतला रखा जाता है, और खून की वेसल्स के अंदर जो प्लाक नए प्लाक्स बन रहे होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। अगर कहीं पर अल्सर बना हुआ होता है या गैंग्रीन होती है तो उस टिश्यू को विद दी हेल्प ऑफ डिब्राइडमेंट साफ़ किया जाता है, ख़राब टिश्यू को हटाया जाता है और फिर हेल्दी स्किन, हेल्दी अंडरलाइंग ग्रैनुलेशन टिश्यू को लाया जाता है। उसके बाद हम एक बार एंजियोग्राफी करके देखते हैं कोई मेजर ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर मेजर ब्लॉकेज होती है तो उसे एंजियोप्लास्टी या कभी कभी स्टेंटिंग के द्वारा खून की सप्लाई को दोबारा से रिस्टोर किया जाता है, जिसे हम रिवैस्कुलराइजेशन बोलते हैं, और जिससे कि वुंड में या पैरों में सही मात्रा में खून की सप्लाई हो पाती है। इसके अलावा सभी मरीजों को विद दी हेल्प ऑफ पोडियाट्रिक काउंसलर काउंसलिंग दी जाती है कि पैरों की देखभाल कैसे की जाए। जैसे कि बोला जाता है कि भाई इनको कवर्ड शूज़ पहन के रखना है, हमेशा नंगे पैर नहीं चलना है, कोई भी तम्बाकू के प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना है, जैसे कि स्मोकिंग हो गई, तम्बाकू हो गया, पान मसाला हो गया या पान हो गया, इन सभी चीज़ों की मदद से ऐसे मरीज़ों को ट्रीट किया जाता है।
अच्छी बात यह है कि अभी सभी सुविधाएं मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मेदांता लखनऊ हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं एंड एक ही छत के नीचे इस तरीके के मरीजों का सफल इलाज हो सकता है। धन्यवाद।